नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी कोशिश कुछ खास कुछ नया, सिर्फ आपके लिए हर बार कुछ नया। तो आज हम आप सबको बताएंगे बचे हुए ऊन से एक खूबसूरत लेडीज विंटर बैग बनाना। इसे आप पूरे ठंड भर कैरी कर सकते हैं। इसके लिए बचा हुआ ऊन लगेगा 200-250 से 300 ग्राम और 4 mm की सलाई। तो सबसे पहले हमें डालना है 47 फंदे इस बैग को बनाने के लिए। यह बचा हुआ ऊन है, 47 फंदे डालेंगे। चलिए आप सब इस प्रकार 47 फंदे डालिए। देखिए हमने 47 फंदे डाल लिए। पहली सिलाई पूरा उल्टा बुनाई किए हैं। अब इस सिलाई में डिजाइन बनेगा। देखिए पहले तो उल्टा फंदों की बुनाई करेंगे। 13 फंदे का डिजाइन बनेगा जो कि कॉर्नर पे बनाना है। बाकी फंदे उल्टा ही बुनाई करने हैं। जब हमारा 13 फंदा बचा रहेगा तभी डिजाइन स्टार्ट करेंगे। इस बैग की डिजाइन कॉर्नर पे ही बनती है। ये देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे 13 फंदे बचे हैं। इसी 13 फंदे में 2 डिजाइन बनेगा। इस बैग में कॉर्नर पे बनता है और 13 फंदों से 2 डिजाइन है बनाना। पहला डिजाइन 8 फंदे से, बाद वाला 5 फंदे से। देखिए 8 फंदे से 4 फंदे का यह 2 फंदा सामने से यहाँ पे लाना है हमें। देखिए इसको पकड़ लिए और सामने से ही लाना है। ये हो गया। ये देखिए अब इसे आगे से लाए हैं 2 फंदे को, इस पे चढ़ा दिए और अब इसकी सीधी बुनाई करेंगे। अभी तक हम उल्टा बुनाई कर रहे थे, डिजाइन के लिए सीधी बुनाई। चार फंदे पहले बुन लिए जो 2 आगे पीछे किए हैं। अब 4 फंदे को फिर आगे पीछे करना है। इससे पहले 2 फंदे हम सामने से बदले थे, अब इसको पीछे से पीछे वाले को सामने लाएंगे। और इसे सामने से चढ़ा देंगे। अब इसकी भी सीधी बुनाई। यह हमारा डिजाइन बनते जाएगा। बदलते समय बस थोड़ा सा सावधानी रखना है। एक फंदा एक्स्ट्रा बन गया। ये देखिए हमारा 8 फंदों वाला डिजाइन बन गया। बीच का 4 फंदे 2 इधर सामने से लाए 2 इधर सामने से लाए, यह डिजाइन बनना शुरू हो गया। अब बनेगा 5 फंदों के डिजाइन। इसके लिए हमें सबसे पहले
उल्टा फंदा डाल के उस फंदे को इस प्रकार बड़ा खींच लेना है और इस तरह अंगूठे से ये जो फंदा निकाले हैं से अंगूठे से दबा के रखना है। उसके बाद ऊन को ऐसे एक बार सलाई में लपेटेंगे, जो हमारी साथ की सलाई उसमें लपेट के वह फंदा बुंदिए। उसके बाद फिर इसमें सामने से डाले एक बड़ा फंदा खींचे और उस फंदे को फिर अंगूठे से इस प्रकार दबा देंगे। ऊन को फिर एक बार ऐसे लपेट के इस फंदे की फिर बुनाई कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार हमारा यह डिजाइन जो फंदा हमने खींच के अंगूठे से दबाए ऐसे बनते जाएगा। देखिए पांच बार ऐसे करना है, फिर खींचे इसको अंगूठे से दबा दिए और ऊन को ऐसे लपेट के फिर बुनाई कर लिए उल्टा फंदा। ये देखिए फिर इसमें से इस प्रकार पांच फंदे हमें बनाने हैं। इसको खींचने के बाद अंगूठे से दबा के रखना है। गया हमारा ये पांचवा फंदा बनेगा। खींचना है ऐसे बड़ा फंदा, उसको अंगूठे से दबा लेना है, ऊन को ऐसे लपेट के इसकी बुनाई कर देनी है। ये हमारा पांच डिजाइन देखिए बन गया, खींच के पांच फंदे। पिछली सिलाई देखिए, यह पांच फंदा 10 फंदा बन चुका है। इसे अब दो दो फंदे एक साथ बनाने हैं ताकि यह बराबर हो जाए। फिर ये दो फंदे बनाए, दो कई पांच बार करना है ताकि जो 10 हो गया है वह फिर से पांच फंदे बन जाए। दो चार पांच, हाँ ठीक है। ये देखिए यह पांच फंदे जो आगे से जब डिजाइन बनाए तो 10 हो गया था, इसे हमने दो दो फंदे एक साथ बना के फिर पांच कर लिए। यह डिजाइन वाला पांच फंदा 5 का 5 है। अब ये 8 फंदे की डिजाइन है, इसे हमको पीछे की तरफ से उल्टा बुनना है। 8 फंदे को 2 3 4 5 6 7 8। अब बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। हमारा डिजाइन वाला 13 फंदा बन गया। अब जितने बचे हैं उसे इस प्रकार बुनना है ताकि वह सामने से उल्टा बन सके। ये देखिए जब हम कॉर्नर में पहुंचेंगे, हमारा डिजाइन इस तरफ बना है और यह कॉर्नर, यह बैक का बीच वाला हिस्सा बनेगा। इसको शेप देने के लिए जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो एक फंदा यह कॉर्नर वाला फंदा बिना बुने उठा लेंगे। हर बार यह फंदा बढ़ते जाएगा बिना बुने। जैसे ये पहली सिलाई में एक फंदा, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3 4, इस प्रकार हर बार जब इस कॉर्नर पे आएंगे तो बिना बुने एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। यह हमारा बैक का गोलाई में शेप लेते जाएगा। अब फिर आगे बढ़ेंगे, जहाँ हमारा 13 फंदे का डिजाइन बना है वहाँ पहुँचने के बाद फिर डिजाइन बनाएंगे। इसी प्रकार यह बैग बनते जाएगा, बीच में बैग का गोलाई शेप बनते जाएगा और कॉर्नर पे डिजाइन बनते जाएगा। बस इसी प्रकार बनाते जाना है। आप लोग ऐसा ही यह देख के बनाते जाइए। ये देखिए
एक कलर का यह डिजाइन हो चुका है। अब दूसरा कलर जोड़ेंगे। दूसरा कलर जोड़ते समय देखिए एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे ये डिजाइन जो बना है 13 फंदे के डिजाइन, ये पांच फंदे से या 8 फंदे से, 13 फंदे के डिजाइन के जस्ट बाद 4 फंदा बचा रहेगा, 4 फंदा बचा रहेगा। हर बार जब पीछे से सामने आते हैं इधर से एक एक फंदा बिना बुने उतारते गए हैं, यह एक एक फंदा बिना बनाए बिना बुने उतारते गए। अब यहाँ 4 बचा है, अब पीछे से दूसरा कलर जुड़ेगा। ये देखिए डिजाइन जो बढ़कर 10 फंदे हो चुके हैं, उसे 2 फंदा एक एक साथ बनना है, एक एक साथ दो दो फंदा बुनेंगे ताकि वह 10 से फिर 5 हो जाए। दस को 5 कर लेना है, फिर बढ़े हुए फंदे बराबर हो गए। ये देखिए 5 फंदे बन गए। इसी प्रकार पूरी सिलाई उल्टा ही बुनाई करना है। देखिए आप लोग ध्यान से, ये देखिए इस बार पूरी सिलाई बुनाई किए हैं। अब पीछे से फिर आगे आएंगे तो उसी प्रकार एक एक फंदा बिना बुने हर सिलाई में छोड़ते जाएंगे। देखिए डिजाइन, पहला डिजाइन 8 फंदे का है जो कि 4 फंदे को आगे पीछे पलट देना है। इस प्रकार पलट कर सिलाई में चढ़ाकर बुनाई कर देंगे। पहला डिजाइन 8 फंदे का, यहाँ पे फिर 4 फंदे को इस प्रकार पलटना है। यह 8 फंदा इस प्रकार चोटी ऐसी डिजाइन बनते जाएगी। अब ये 5 फंदे की डिजाइन है, ऊन खींचना है बड़ा सा, अंगूठे से दबा लेना है, इस प्रकार लपेट कर बुनाई करनी है। ये देखिए आप लोग इस प्रकार यह बैग बनते जाएगा। इसको पूरा ऐसे हमें गोलाई में, पूरा ऐसे गोलाई में बनाना है। इसको 47 फंदे से बना है। ये वाली डिजाइन 8 फंदे की है, 4-4 फंदे पलटते जाना है। ये वाली डिजाइन 5 फंदे की है। जब यहाँ पे सिर्फ 4 फंदा बचेगा बिना बुने उठाते हुए, तभी हमें पीछे से दूसरे कलर का ऊन लगाते जाना है। ये ऐसे पूरा गोलाई आकार में बनाएंगे। यहाँ पे बीच में एक गुलाब बना के लगाना है जो इस प्रकार बनेगा। देखिए बीच के लिए एक गुलाब बना के लगाना है।
ये देखिए, यह बीच सेंटर में लगाने के लिए गुलाब बनाएंगे। इसकी पंखुड़ी इस प्रकार आकार लेगी और पंखुड़ी को ऐसे कसते जाना है। अब यहाँ पे फिर एक पंखुड़ी बनाएंगे, हमारा ऐसे गुलाब का पंखुड़ी बनते जाएगा। देखिए ये पूरा दो पल्ला ऐसा गोलाई में इसको बनाना है, दो पल्ला चाहिए। बनने के बाद इस प्रकार सिलाई करेंगे, इसकी सिलाई हाथ से करेंगे। बराबर पीस में दो कपड़े काटेंगे और सुई धागा से इसकी, या आप चाहे तो ऊन से भी सिलाई आप लोग कर सकते हैं, सुई धागा या ऊन से सिलाई करेंगे। इस प्रकार हमने सिलाई किया, उसके बाद यहाँ पे चैन लगेगी। ये देखिए ऐसे चैन लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे पट्टा लगाना है। ये देखिए यहाँ पट्टा लगा है, पट्टा पहले लगा है उसके ऊपर चैन लगाए हैं, और ये सिलाई आप हाथ से ही सिलाई कर दी है। ये देखिए, और उसके बाद ये पूरी सिलाई जब हो जाए, पट्टा और चैन लग जाए, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ऐसे पॉकेट और लगा सकते हैं, जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हैं। देखिए हमारा बैग बनने के बाद ऐसे, ये देखिए इस प्रकार बनने के बाद ये जो रोस बना रहे हैं इस प्रकार यहाँ पे बीच में लगेगा, और दो गोलाई बना के ऐसा बैग बचे हुए ऊन का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और यह हमारा बैग खूबसूरत लगेगा, पूरे ठंड भर के लिए अच्छा है। देखिए यह बहुत ही खूबसूरत बैग बनेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।